फर्स्ट टाइम कर रहा है सीएनजी कार मॉडिफिकेशन? फर्स्ट टाइम। क्या क्या कर रहा है इसमें? इसमें बेस टू है, डीआरएल है, स्पीकर है, बहुत काम है इसमें, सीट का फ्लोरिंग वगैरह है। अच्छा, लेकिन ये एक्सटी वेरिएंट है? जी भैया, एक्सटी है। तो कैसे सीएनजी में करने में कुछ अलग है या नॉर्मल है? हमें तो सही भी लगता है, काम हमारा तो काम वही है। काम वही है, सेम ही, मतलब सीएनजी ऐड होगी बस, ऐसे पेट्रोल की गाड़ी आती थी जाएगा। और भाई हमेशा कंपनी फिटेड पे ही जाना, बाकी सर का भी रिव्यू एंड में लेंगे कि सर ने भाई यही गाड़ी क्यों चूज करी। लगा देते हैं ये तो देते हैं। हाँ। वो हाफ बकेट होता है, लोग फुल बकेट कह के भेज देते हैं कि भैया फुल बकेट है, 4000 का लगा दूंगा, 4500 का लगा दूंगा। हाँ। तो वो हाफ बकेट ही होता है, हाफ बकेट फुल बकेट है ना भैया, 5500 से स्टार्टिंग है, मतलब अच्छी क्वालिटी में 5500 6000 6500 के रेंज, जिसकी हम लाइफ टाइम की गारंटी देते हैं। मजा आ गया। तो एक अगर रेटिंग की बात की जाए तो क्या आप दोगे स्टार? 10 out of 10 है, मतलब फुल खुश हो? बिल्कुल। चलो एक लाइक कर दो भी अगले। तो गाइस हियर वी हैव द 2022 न्यू टियागो, और भाई ये बेस नहीं अपना एक्सटी वेरिएंट है, बट इसमें भी भाई फुल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, बिल्कुल भाई हाई एंड तक लेके जा रहे हैं। और फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब होगा, इससे पहले भी मैं आपको एक कार दिखा चुका हूँ, और ये सेकंड आप कह लो एक तरीके से, देखो ये सीएनजी वाली है अपनी टियागो सीएनजी, तो इसकी फुल मॉडिफिकेशन दिखा रहे हैं। और आप लोगों को पता भाई, जहाँ टाटा की बात आती है, चाहे वो नई गाड़ी लॉन्च हो चाहे पुरानी हो, हर एक चीज़ में डिजिटल कार सिंगर ऑलवेज ऑन द टॉप है। तो इंटीरियर में लेके जाऊं तो भाई पूरा यहाँ पे काम चल रहा है। राजू, राजू फर्स्ट टाइम कर रहा है सीएनजी कार मॉडिफिकेशन? फर्स्ट टाइम। क्या क्या कर रहा है इसमें? इसमें बेस टू है, डीआरएल है, स्पीकर है, बहुत काम है इसमें, सीट का फ्लोरिंग वगैरह है। अच्छा, लेकिन ये एक्सटी वेरिएंट है? जी भैया, एक्सटी है। तो कैसे सीएनजी में करने में कुछ अलग है या नॉर्मल है? हमें तो सही भी लगता है, काम हमारा तो काम वही है। काम वही है, सेम ही, मतलब सीएनजी ऐड होगी बस, ऐसे पेट्रोल की गाड़ी आती थी। तो भाई ये देखो यहाँ पे भाई जोटो का यहाँ पे भाई एंड्रॉइड सिस्टम लगा रहा है अपना राजू, सारी वायरिंग कर रहा है। कोई बेस टू वेस्ट टू इंस्टॉल हो रहा है क्या भैया? 4 चैनल स्पीकर है, बेस टू नहीं लग रहा। 4 चैनल स्पीकर है, कंपोनेंट। चलो तो भाई आज आउटपुट काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। उसके अलावा मैं आप लोग को दिखा दूं तो भाई टियागो सीएनजी काफी बढ़िया लॉन्च हुई है, ये देखो। तो भाई यहाँ पे पूरा आपका, लेकिन बूट स्पेस आपको नहीं मिलता, बट फिर भी भाई कंपनी फिटेड है तो भाई थोड़ा बहुत आपको मिल ही जाएगा। और भाई हमेशा कंपनी फिटेड पे ही जाना, बाकी सर का भी रिव्यू एंड में लेंगे कि सर ने भाई यही गाड़ी क्यों चूज करी। उसके अलावा धर्मेंद्र भी आ चुके हैं फ्रेम में। धर्मेंद्र भैया कैसा लग रहा है सीएनजी में काम करके? बहुत बढ़िया भैया, मतलब ये हमारी फिर से दूसरी कार है, पहली तो हम दिखा चुके हैं। हाँ, सीएनजी वाली ना? हाँ जी, हाँ जी भैया। तो इसमें फुल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं? ये बेस नहीं है, एक्सटी है। एक्सटी है, इसके अंदर स्टूडियो और नॉर्मल जो सिस्टम आता है। हाँ, वो लग के आया था भैया, हटवा के विंडो लगवा रहे इसके अंदर। तो दूसरा लग रहा? हाँ जी। भैया को कंपनी वाला पसंद नहीं आया? नहीं, वो सिंपल स्टूडियो था। चलो, उसके अलावा भाई एक अल्ट्रोज और खड़ी है यहाँ पे, इसकी भी फुल मॉडिफिकेशन हो रही है, क्योंकि आप लोगों को पता भाई टाटा में किंग है अपना डिजिटल कार श्रृंगार। तो बाकी इसमें भी जैसे जैसे कंप्लीट होती है मॉडिफिकेशन, तो एक एक करके सब कुछ मैं आप लोग को चेकआउट करवाऊँ। सो गाइस टियागो में आगे अपडेट आप लोग को दे दूँ तो भाई डैम्पिंग का काम स्टार्ट हो चुका है, अपना सीटी की डैम्पिंग लग रही है और ओला गेट हो चुका है। और राजू क्या कर रहा है? भैया डैम्पिंग हो गया है, अब मैं एम्प का वायरिंग जोड़ रहा हूँ। एम्प का वायरिंग जोड़ रहा है, तो फ्रेम के साथ एंड्रॉइड भी लगा इसमें? जी भैया, ये रहा एंड्रॉइड। चलो तो ये एंड्रॉइड लगा, और भाई आप फ्रेम ही आ चुके ग्लॉस ब्लैक का, और तिवारी जी आज फ्रेम। तिवारी जी कैसे हो? बढ़िया साहब, बिल्कुल वही है, मतलब टॉप मॉडल का स्टीयरिंग हो जाएगा। भाई तिवारी जी हमारे इस चीज में खिलाड़ी है बिल्कुल। तो यहाँ पे अपना रंजन भी स्टार्ट हो चुका है डैम्पिंग काम स्टार्ट करने में, प्रॉपर कटिंग ली जाएगी जहाँ पे जिस चीज की कटिंग की जितनी जरूरत होगी उसको पेस्ट किया जाएगा। रंजन डबल हो रहा है सिंगल हो रहा है? डबल लेयर है भैया। तो डबल लेयर कर रहा है हमारा यहाँ पे भाई रंजन, ये देखो अंदर पूरा कटिंग लेके किया जाता है, पूरा कवर कर दिया जाएगा, पूरा कवर एकदम। चलो तो रंजन को भाई करने देते हैं बढ़िया से, उसको मैं आप लोग को एंड में इसका रिस्पांस दिखाऊं। तो भाई टियागो में आगे अपडेट हुई तो भाई डैम्पिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, ये देखो भाई अपना डोरो डबल डेयर में डंपिंग हो चुकी है, और यहाँ पे फ्लोरिंग का काम स्टार्ट होगा। तो तिवारी जी भाई पूरा बढ़िया तरीके से इसको साफ कर रहे हैं वैक्यूम क्लीनर से, ताकि भाई अच्छे से भीग जाए। तिवारी जी सारा गंदगी साफ हो जाएगा तो अच्छे से भीग जाएगा। चलो इसको पूरा क्लीन किया जा रहा है हर एक जगह को। तो आप भी कहीं फ्लोरिंग करवा रहे हो तो क्लीन जरूर करवाना, वरना भाई डस्ट अंदर ही रह जाएगी आपकी। तो एक बार पूरा हो जाने दो, उसका मैं आप लोग को। तो भाई टियागो में आगे अपडेट दे दूं तो भाई सीट कवर देख के आप लोगों ने भाई अंदाजा ले लिया कि भाई किस डिजाइन का रहने वाला है, और बिल्कुल नए पैटर्न का, नए डिजाइन का। और भाई फिटिंग देखो भाई कितनी प्रॉपर फिटिंग आई है। उसके अलावा डैम्पिंग भी हो चुकी है भाई अपने ऑल 4 डोर्स में, ये देखो भाई कितना हार्ड हो चुका है, नॉर्मल के कैसा आते देखो। और इसमें देखो भाई डिफरेंस देखो, मेरे तो भाई उंगली में ही चोट लग रही है। धर्मेंद्र भैया क्या कर दिया यार ऐसा? टाटा की बॉडी है, ऊपर से डबल डैम्पिंग है। तो भाई अब ऐसा है तो फिर टाटा फिर अपने घर में भी आनी चाहिए। बिल्कुल आएगी भैया। ये देखो भाई, ये देखो डबल लेयर हुई है, बिल्कुल मतलब फुल हैवी कर दिया। सीटी के डैम्पिंग है, ये देखो येलो वाला लेयर रहने वाला है पूरा अपना, मजेदार हो गया। सर फ्लोरिंग भाई इसमें दो क्वालिटी आती है, एक आती है नॉर्मल वाली, ये अपनी क्रोकोडाइल वाली होती है। इसकी थिकनेस देखो भाई कितनी ज्यादा मोटी होती है,
कुछ भी नहीं रुकने वाला भाई, नई गाड़ी तो भाई फ्लोरिंग तो मस्त है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। फ्लोरिंग जरूर करवाना अपनी गाड़ी में, डस्ट गिर जाए, पानी हो जाए भाई, जस्ट आप लोगों ने गीला कपड़ा मारा और फुल भाई साफ हो जाएगा, या फिर पार्टी वार्टी इंजॉय कर रहे हो और थोड़ा बहुत गिर भिर जाए तो वो भी साफ हो जाएगा, इजी क्लीन। चलो तो इजी टू क्लीन है भाई। बाकी सीट कवर लग रहा है, और भाई सीट कवर देखो हम लोग जो लगाते हैं पीछे तक लगाते हैं, ये नहीं यहाँ पे हुक मार दिया, वो वाला काम नहीं होता, पीछे पूरा वेलक्रो पीछे तक दिया जाता है और इस चीज का प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल भैया, मतलब नॉर्मल जो बाकी जगह लगता है पीछे से हुक मार के यहीं तक लगा देते हैं, हुक मार देते हैं। हाँ। वो हाफ पकड़ होता है, लोग फुल पकड़ कह के भेज देते हैं कि भैया अच्छा। फुल पकड़ है, 4,000 का लगा दूंगा, 4,500 का लगा दूंगा। हाँ। तो वो हाफ पकड़ ही होता है, हाफ पकड़ होता है। फुल पकड़ है ना भैया 5,500 से स्टार्टिंग, मतलब अच्छी क्वालिटी में 5,500 6,000 6,500 के रेंज, जिसकी हम लाइफ टाइम की गारंटी देते हैं। अभी क्या हो रहा है मार्केट में, हाफ पकड़ भी बन गया है, मैं दिखा दूंगा शॉप के अंदर, एक दो मंगवा के, वो तो मैं रखता नहीं, वो मथे मथे पे डोरी खींच देंगे और यहाँ तक लगा देंगे, बोल देंगे कि भैया फुल पकड़, फुल पकड़ तो 3,500 में लगा दूंगा, 4,000 में लगा दूंगा। ये काम हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में चल रहा है। हम अपने व्यूअर को इसलिए बता रहे हैं कि मार्केट में ऐसा होता है, ये नहीं कि सस्ते के चक्कर में आप कुछ भी करवा लो। तो भाई बाकी यहाँ पे अपना हीरा भाई कर रहा है, यहाँ पे हीरा भाई को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जैसे जैसे एक बार पूल काम कंप्लीट हो जाए फिर हम आपको फुल मॉडिफिकेशन एक बार चेकआउट करवा दें। सो गाइस फाइनली अपने टियागो की मॉडिफिकेशन काम कंप्लीट हो चुका है, और सीएनजी वेरिएंट का भाई फर्स्ट वीडियो ऑफिशियली फर्स्ट दिखा रहे भैया इसको। जी भैया, तो मतलब फुल मॉडिफिकेशन कर दी इसकी। हाँ जी भैया। चलो तो मैं आप लोगों को भाई फ्रंट से दिखा दूं पहले। सबसे पहले तो हमेशा की तरह जो DRL एड ऑन करते हैं अपनी हर एक गाड़ी में, क्योंकि लुक भाई बहुत ज्यादा अमेजिंग हो जाता है, तो भाई DRL एड ऑन कर दिया गया। भैया इसमें भी LED HID नहीं लगा कुछ, हेडलैम्प के अंदर नहीं लगाया, हेलोजन ये नॉर्मल, नीचे हमने IPS प्रोजेक्टर लगाया। ये देखो भाई नीचे IPS लगाया, इसमें HID है भी LED है, HID है जिमर की HID, और भाई ये देखो ब्राइटनेस देखो बहुत ही बढ़िया है, जहाँ पे जब पूरी रोशनी इतनी बढ़िया ब्राइटनेस है तो अंधेरे में तो मजा ही आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ हेडलाइट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल तो भाई हेडलाइट की जरूरत नहीं पड़ने वाली। वैसे इसमें येलो रखा गया क्योंकि भाई ठंड का भी टाइम है, फॉग का भी टाइम है, और इस चक्कर में वैसे भैया अपग्रेड करवाएंगे उसको LED HID में। भैया जो है इसकी जो लाइट है ना हेडलाइट, वो सोच रहे हैं टॉप मॉडल वाली लगाने की, जो टैगोर के अंदर वो प्रोजेक्टर हाँ, वाली हाँ, प्रोजेक्टर हाँ, वाली वो अगले चक्कर में लगाएंगे। चलो तो उसका एक नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे। उसके अलावा एक सीयर में तो भाई डोर वाइजर लगा, और एक भाई जो डैम्पिंग हुई है ये देखो, ये आवाज देखो और ये देखो, तो भाई अगेन मेरी उंगलियों में चोट लग रही है क्योंकि डबल लेयर की डैम्पिंग हुई है। बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया आती है। टाटा का डोर वाइजर लगा है ब्लैक और क्रोम वाला। इसमें भी भाई 2-3 ऑप्शन आते हैं, आप चाहो तो कार्बन फाइबर ले सकते हो, आप चाहो तो नॉर्मल ब्लैक ले सकते हो, आप चाहो तो क्रोम और ब्लैक ले सकते हो, बट जनरली ज्यादातर यही लगता है गाड़ी में, तो ये चीज को एड ऑन किया गया। और भाई बैक प्रोफाइल में आप लोग को ले जाऊं तो यहाँ पे देखोगे आप लोग, जिसके लिए धर्मेंद्र भी जाना चाहते, चाहे वो CNG की कार हो चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो, OEM कैमरा तो भाई हमें अपनी जगह लगानी है। बिल्कुल भैया, जो जगह है वो वही लगाएंगे, इसलिए फेमस हो है, इसलिए धर्मेंद्र भी जाना चाहता है भाई। OEM जो जगह आई है वो देखो अपने CNG वाला, और ऑफिशियली फर्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखा रहा हूँ इस कार की। और भाई ये देखो उसके बाद क्रोम की पूरी यहाँ पे लगी है, देखो भैया कंपनी से आते हमने एड ऑन करा, नहीं लगाया भैया डिक्की क्रोम विंडो गार्निश क्रोम। चलो तो ये हम लोगों ने लगाया। तो एक्सटीरियर में तो कुछ यही मॉडिफिकेशन हुई है, मेन जो ध्यान दिया गया भाई वो इंटीरियर में दिया गया, तो मैं एक बार आपको इंटीरियर चेकआउट करवाता हूँ कि भाई इंटीरियर में क्या क्या। तो गाइस और अपडेट टियागो में तो इंटीरियर से पहले तो भाई पूरी अपनी लोअर गार्निश लगी है, देखो यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर पाओगे। उसके बाद एक नई आई है स्पेशली टियागो CNG के लिए, भाई पूरी साइड बिटिंग लगी है अपना क्रोम और ब्लैक में, इससे लुक भाई बहुत ज्यादा अमेजिंग हो गई है, और गाड़ी भाई बिल्कुल ही अपनी नेक्स्ट लेवल लग रही है। और डोर प्रोटेक्टर कह लो, डोर गार्ड कह लो भाई, ये चीज भी एड ऑन किया गया, ये भी काफी हैवी क्वालिटी में भाई। जैसे भी गाड़ी के डोर्स खोलते हैं सबसे पहले ये आपका टच होगा, तो भाई आपकी गाड़ी पूरी प्रोटेक्ट है, नया पेंट नई गाड़ी भाई पूरी प्रोटेक्ट है। उसके अलावा मैं इनर में ले जाऊं तो भाई सबसे पहले फ्लोरिंग मैंने आप लोग को दिखा दी, उसके बाद गाइस यहाँ पे 70 मैट लगा जो कि भाई स्पेशली फॉर टियागो है। टियागो CNG में कोई चेंज नहीं, क्या जो पुराना टियागो वही वाला लगेगा सेम। उसके अलावा भाई ये देखो यहाँ पे पूरा लेदरिंग की गई है, पूरा यहाँ पे कपड़ा स्टिचिंग हुई है, और भाई सिल्वर जो इंटीरियर दिया गया उसके साथ साथ किया गया, उसमें फोमिंग ऐड की गई है क्योंकि भैया ये प्लास्टिक आता है यहाँ पे, हाँ सिंपल प्लास्टिक आता है भैया, फोमिंग करके फिर ऊपर से लेदर की रैपिंग की है। चलो तो भाई इस चक्कर में क्या भैया कहीं लॉन्ग रूट पे जाएंगे तो बिल्कुल कम्फर्ट में जाएंगे। उसके अलावा भाई अंदर की तरफ आते तो सीट कवर देखो भाई आप लोग के लिए स्पेशल लेटा दिए गए हैं ताकि बढ़िया लगे, और डिजाइन देखो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। इसमें बर्फी नीचे पूरी ऐसे नीचे आ रही छोटी वाली, इसमें छोटी है काजू है कौन सा लगाए तो बताओ, ये मीडियम वाली भी है, मीडियम वाली है तो इसे खा तो नहीं सकते, खा नहीं सकते, देख सकते। चलो भाई तो देखने के लिए सही है ये। उसके अलावा भाई मेरे को जो बेस्ट फीचर लगा टियागो CNG में भाई सब कुछ आपको मीटर में दिया गया है, ये देखो इस साइड अपना CNG का हो गया और इस साइड अपना पेट्रोल का हो गया, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया टियागो CNG का, ये देखो यहाँ से आपने जैसे अगर मैं इसको क्लच दबा के इसको करता हूँ
तो ये भाई अपनी पेट्रोल पे आ गई, ये देखो। और मैं जैसे इसको दोबारा एक्टिवेट करूंगा तो यहाँ सीएनजी मोड एक्टिवेट लिखा जाएगा। तो भाई मेरे को जिस बजट सेगमेंट में आती है मेरे को ये बहुत सही लगी। टियागो सीएनजी की तरह भाई आप लोग बिल्कुल जा सकते हो, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। उसके अलावा स्टेयरिंग का जो कवर लगाते हैं हमारी तिवारी जी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, वो लग चुका है बिल्कुल ओईएम वाला है। देखो बिल्कुल टॉप मॉडल में जो मजा आता है वो मजा आने वाला है। उसके अलावा भाई अपना एंड्रॉयड लगा है, ये देखो, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो पूरा लगाया प्रॉपर। ठीक है भैया, इसमें एक ब्लैक मैट में भी आता है, मैट में भी आता है ये लगाया भैया ने, प्यानो ब्लैक वाला, प्यानो ब्लैक लगाया। तो एक क्रोम लगा हुआ था भैया इसमें, हाँ क्रोम जो लगा आता है ना एक्सट्री है इसलिए क्रोम है, वरना बेस होता तो नहीं होता, बेस में ब्लैक आता है। हाँ तो ये क्रोम उतर के इसमें लग जाता है। चलो तो ये एड ऑन किया जाता है और फ्रेम बस पियानो ब्लैक एड किया जाता है, क्योंकि भाई 9 इंच का अगर आप स्टीरो लगाओगे तो फ्रेम एड ऑन करना पड़ेगा। बाकी एंड्रॉइड लगा गया, एंड्रॉइड का बहुत अच्छा आउटपुट है भैया। एंड्रॉइड जोटो का रहने वाला है, जोटो का भैया 216। चलो तो भाई रिस्पॉन्स कैसा निकल के आया? बहुत बढ़िया आ रहा है भैया, ठीक रिस्पॉन्स है, बहुत बढ़िया वाला। चलो तो भाई बढ़िया रिस्पॉन्स निकल के आया। बाकी सीट कवर कैसे लगे मुझे जरूर बताना, एक बार मैं आपको बैक कैमरा दिखा दूं, जो हम ओईएम बोलते रहते हैं ओईएम का रिस्पॉन्स कैसा वो एक बार आप लोग जरूर चेकआउट कर लो। तो मैं ये लगा रहा हूँ रिवर्स गियर, ये देखो भाई ये लगा रिवर्स गियर। भाई बैक कैमरा देखो, जैसे आप लोग भाई टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो वो वाला आउटपुट निकल के आ रहा है, देखो बिल्कुल भाई नेक्स्ट लेवल चीज है। मैं आपको दिखा दूं, ये देखो, तो अपना मूविंग है, नॉर्मल है भैया, मूविंग वाला कैमरा रहने वाला है, गाइडलाइन के साथ है भाई। ये देखो अगेन मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये देखो भाई आप लोग चेकआउट कर पाओगे इस चीज को, बहुत ही बढ़िया। और अपना नाइट विजन फुल HD कैमरा रहने वाला है, तो भाई कैमरे के लिए तो फुल रिकमेंडेड है भाई, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स निकल गया। ऊपर LED कर दी भैया, LED भैया इसमें लग के आया पहले से। अच्छा एक्सट्री मॉडल है इसमें लग के आया, में सभी में आता है LED, लग बेस में भी लग के आता भाई, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदो फिर। तो भाई ये बढ़िया चीज हो गई। अब इसकी बात आती है आउटपुट, क्योंकि फ्रंट में हम लोगों ने फोकल के कंपोनेंट लगाए, कंपोनेंट लगाए पीछे जो ST के अंदर लग के आता है स्पीकर, टाटा के जेन्युइन वाले वही है, उसको हमने एम्प से चालू कराया है, एम्प से कर दिया साउंड, ये एम्प लगाया हमने यहाँ पे भाई, एम्प लगा हुआ है, मैं आप लोग को दिखा दूँ, ये देखो यहाँ पे एम्प की कर दी गई है, मैट से ढक दिया गया ताकि इसको वायरिंग कोई खराब ना हो, ना हो। तो साउंड ब्लास्ट का यहाँ पे एम्प लगा दिया गया, अब तो आउटपुट नेक्स्ट लेवल हो जाएगा एम्प के बाद। अच्छा आवाज आ रहा है, बहुत अच्छी आवाज है, बेस्टी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ रही है। चलो तो एक बार आप सुन लेना, अब भाई आप लोग एक बार आउटपुट चेकआउट करो, फिर सर से बात करते हैं डिटेल में कि भाई सर को हमारा काम कैसा लगा और फर्स्ट टाइम टियागो CNG मॉडिफिकेशन उनको कैसी लगा। Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in bleach. Cross out the ones who help me cry and watch me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो गाइस अभी आप लोगों ने टियागो की फुल मॉडिफिकेशन देखी, इस वाली अल्ट्रोस का काम हो गया, गाड़ी जा रही है वहां पे, एक अल्ट्रोस का काम चल रहा है भाई, वो अभी एड ऑन हुई है। तो आज मतलब फिर से पूरा टाटा का काफिला खड़ा कर दिया आपने, तो भैया ऑनर थे, प्राउड ऑनर जो भाई टाटा को ऑन करते हैं नई वाली CNG को। भैया सबसे पहले मैं पूछना चाहूँ गाड़ी कैसे लगी आपको? बड़ी अच्छी लगी भाई साहब, मजा आ गया बिल्कुल। CNG पे दब रही है कुछ पिकअप में लैग? बिल्कुल किसी चीज में नहीं है, नहीं बिल्कुल, मतलब जो इसके सेगमेंट में और आती है उनसे बढ़िया ये। मेरे पास ऑलरेडी स्लेरियो भी है, अच्छा, लेकिन उसमें कोई मजा नहीं है, और दरअसल उसमें जैसे ही पिकअप हम ले रहे हैं पहले गियर में तो पिकअप नहीं ले पा रही है। अच्छा, जो इसमें है बिल्कुल पता ही नहीं चलता है पेट्रोल में या चीज में, मतलब कंपनी फिटेड इसमें बढ़िया चीज आई है, बहुत ही अच्छी चीज आई है, बाकी से बिल्ड क्वालिटी जो है वो, मतलब मेन सेफ्टी रीजन भी है इसके लिए कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले मेरे पास स्कॉर्पियो भी है, उसको क्योंकि सिटी में चलाना स्कॉर्पियो इतना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल उसी को छोड़ के उसके लिए मैं लिखा, मतलब सिटी के लिए लिया आपने। तो बाकी मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, हमारे धर्मेंद्र भी अजय ने मॉडिफिकेशन करी है, कैसा लगा आपको काम? भाई साहब मेरी गाड़ी तो टॉप मॉडल बना दी उन्होंने, बिल्कुल टॉप हो गई है। सब कुछ बढ़िया लगा आपको, सीट कवर ये सब? बिल्कुल, जो मेरे पसंद था वही इन्होंने वैसा ही काम किया है। तो वीडियो देख के आए थे, कैसा लगा आपको काम सर? जैसा वीडियो में देखा था सच में वैसा ही हुआ है, मजा आ गया। तो एक अगर रेटिंग की बात की जाए तो क्या आप दोगे स्टार? 10/10 10/10 है, मतलब फुल खुश हो? बिल्कुल। चलो एक लाइक कर दो भैया के लिए। थैंक यू।